चाहे आपने फास्ट किया हो या ना किया हो, पर ये सैलेड तो आपको पक्का ट्राई करना चाहिए। बनाने में बहुत ही आसान, एक कढ़ाई में लेना है 1 चम्मच घी और उसके बाद मुट्ठी भर के मूंगफली दाना डाल दीजिए और उसको करिए अच्छे से रोस्ट। कब तक? जब तक कि मूंगफली आपकी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब बचे हुए घी में आप डालेंगे 2 कटोरी मखाने और उसको भी कर लेंगे आप अच्छे से रोस्ट। कब तक? जब तक कि आपके मखाने अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाए। इसके बाद आप लेंगे एक बड़ा सा पास्ता बोल जिसके अंदर आप डालेंगे छिला हुआ और बारीक कटा हुआ 1 सेब, 1 बड़े अनार के दाने, 1 उबला हुआ बारीक कटा हुआ आलू और इसी में हम डाल देंगे हमारी भुनी हुई मूंगफली। और स्वाद को और बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक काट लिया है और मुट्ठी भर के ताज़ा हरे धनिए की पत्ती और खूब सारा नींबू। नींबू मैं आधा यूज़ कर रही हूँ जिसका मैंने सारा जूस निकाल लिया है। अगर आप नींबू नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक और इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जब आप खाने बैठें तभी आप इसमें डालें भुने हुए मखाने और उनको अच्छे से मिलाएं और ये देखिए आपका फॉक्सनट सैलेड हो गया है तैयार।